हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चनायर के बारे में जाना था, उसके मीनिंग, उसके डिफिनिशंस और वो क्या है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने जाना था। हम लोगों ने ये जाना था उसके माध्यम से कि क्वेश्चनायर जो है प्रश्नों की एक सूची है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें हम सूचनादाता को उत्तर देने के लिए उसको प्रदान करते हैं, जिसे सूचनादाता यानी रिस्पोंडेंट जो है उसको पढ़ता है और अपना उत्तर जो है निर्देशनकर्ता तक पहुंचाता है। तो क्वेश्चनायर जो है एक प्रकार का टूल है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रकार का रिसोर्सेज है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चनायर के बारे में जाना था, आज हम लोग क्वेश्चनायर के टाइप्स, काइंड्स ऑफ क्वेश्चनायर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्नावली के प्रकार, प्रश्नावली के मुख्यतः पांच प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ ये प्रश्नावली के मुख्यतः पांच प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? बंद प्रश्नावली, इसको अंग्रेजी में क्लोज क्वेश्चनायर कहते हैं। दूसरा है खुली प्रश्नावली, इसको ओपन क्वेश्चनायर कहते हैं। तीसरा है चित्रित प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली पिक्चोरियल क्वेश्चनायर इसको कहते हैं, पिक्चोरियल क्वेश्चनायर। चौथा है मिश्रित प्रश्नावली, जिसको मिक्स्ड क्वेश्चनायर कहते हैं। और सबसे अंतिम है पांचवा डार्क प्रश्नावली, जिसको हम लोग मेल्ड क्वेश्चनायर कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चनायर के मुख्यतः पांच प्रकार होते हैं, बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली और डार्क प्रश्नावली। आज हम इन पांचों प्रश्नावलियों में से केवल एक प्रश्नावली बंद प्रश्नावली के बारे में जानते हैं कि ये बंद प्रश्नावली क्या है। बच्चों को ये बंद प्रश्नावली देखिए यहाँ है, इसके मीनिंग क्या है? प्रत्येक प्रश्न के विकल्प पूर्व से ही निर्धारित होते हैं। इसका अंग्रेजी मीनिंग ये हुआ कि द अल्टरनेटिव आंसर टू ईच क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चनायर आर डिटरमाइंड बाय द फॉर्मर। मतलब सूचनादाता को अपने उत्तर देने के लिए इसमें ऑलरेडी पहले से ही विकल्प मौजूद रहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देते हैं, तो उसमें उसके विकल्प रहते हैं मौजूद, आपको पता ही है, ए बी सी डी में से किसी एक पर आंसर लगाना होता है या एक पर टिक लगाना होता है। तो इसी प्रकार का ये क्वेश्चनायर है, यानी बंद प्रश्नावली में विकल्प जो होते हैं, क्वेश्चन के विकल्प पहले से ही मौजूद होते हैं, उत्तरदाता को उसमें टिक लगाना होता है और अपना आंसर उसको देना होता है। प्रश्न जो होता है वो बच्चों के समस्या से संबंधित होता है, जो उसकी समस्या है, जिसको हमें जानना है, जिस पर हमें काम करना है, समस्या से संबंधित क्वेश्चन होते हैं और उसके विकल्प भी उसके साथ मौजूद होते हैं और सूचनादाता को उसके विकल्प पर में टिक लगा करके उसको निर्देशनकर्ता तक पहुंचाना होता है। दूसरा अर्थ है कि सूचनादाता को उन्हीं विकल्पों में से उत्तर देना है। मतलब विकल्प तो है, लेकिन यदि कोई सूचनादाता चाहेगा कि उस विकल्प के अलावे हम कोई उत्तर दे दें, कुछ अलग से उसमें कर दें, मतलब यह कि द रेस्पोंडेंट हैज टू सेलेक्ट वन ऑफ द आंसर एंड मार्क द आंसर। मतलब आपको उन्हीं विकल्पों में से ही किसी एक विकल्प को चुन करके अपना उत्तर देना है। ये नहीं हो सकता कि आप चारों विकल्प में से किसी का उत्तर ना दें और अलग से कोई चीज लिख करके दे दें, ये नहीं हो सकता। यानी कि बंद प्रश्नावली में ऐसा नहीं हो सकता। बंद प्रश्नावली में मुख्य रूप से जो विकल्प पहले से मौजूद हैं प्रश्नों के, उन्हीं विकल्पों को उत्तरदाता टिक लगा करके अपना उत्तर देता है। तो ये बंद प्रश्नावली का बेसिक मीनिंग है। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं मेरिट्स की तरफ। सबसे पहला मेरिट क्या है? मेरिट का मतलब गुण, कि इसमें परिशुद्धता अधिक होती है। ये परिशुद्धता वर्ड को अंग्रेजी में हम बोलते हैं प्रिसीजन, प्रिसीजन इज फाउंड इन इट। परिशुद्धता का मतलब ये है कि जो समस्या है उस समस्या से संबंधित जो विकल्प है वो बिल्कुल स्पष्ट है। स्पष्टता का मतलब ये हुआ कि एकदम शुद्ध है, अलग से कहीं कुछ उसमें नहीं डाला गया है। जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा उसी चारों विकल्प में से ही कोई ना कोई आंसर है, जो विद्यार्थी के या जो सूचनादाता है उससे संबंधित है। तो इसीलिए इसमें परिशुद्धता का सबसे ज्यादा गुण पाया जाता है। मतलब उसमें अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, मान लीजिए एक वस्तुनिष्ठ का प्रश्न लेते, भारत कब आजाद हुआ? 1942, 43, 44, 47। तो एक जो उसका सही मीनिंग है 1947, उसी में लोग टिक लगाएंगे, बाकी में लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सूचनादाता से संबंधित ऐसे समस्या और समस्या से संबंधित जो विकल्प है उसमें से कोई ना कोई एक विकल्प ऐसा है जो विद्यार्थी को उसकी समस्या से संबंधित उत्तर को बदलाएगा ही बदलाएगा,
और यदि विद्यार्थी उसमें टिक लगाता है तो वह शुद्ध माना जाता है। तो इसीलिए इसमें परिशुद्धता का गुण पाया जाता है, इसीलिए कहा गया है प्रिसीजन इज फाउंड इन इट। दूसरा जो गुण है, उत्तर देने में सुविधा होती है, यानी इसमें सूचनादाता को, रेस्पोंडेंट को उत्तर देने में सुविधा होती है। क्यों सुविधा होती है? क्योंकि विकल्प पहले से ही मौजूद है, 4 विकल्प, 5 विकल्प, 6 विकल्प पहले से ही मौजूद होते हैं, तो उन्हीं विकल्पों में से उनको उत्तर देना है, अलग से कुछ सोचना नहीं है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, विकल्पों को ध्यान से देखना है और उन्हीं विकल्पों के आधार पर में अपना उनको उत्तर देना है। दिस क्वेश्चन आर फैसिलिटेट द रिस्पोंडेंट टू एंसर, मतलब उत्तर जो है उन्हीं उत्तरों को देने में कोई अलग से कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, इसलिए एक सरलता है उसमें, एक सुविधा है कि जो प्रश्न है प्रश्न के विकल्प दिए हुए हैं उन्हीं में हमको टिक लगा करके भेजना है। तीसरा है प्राप्त आंकड़ों का अंकन और अभिलेखन में सुविधा होती है। आंकड़ा मतलब डाटा, जो भी हम सूचनादाता से जो डाटा प्राप्त करेंगे, जो आंकड़े प्राप्त करेंगे उसका अंकन करने में, कोडिंग करने में, अंकन यानी कि स्कोरिंग करना है। अंकन का मतलब स्कोर, स्कोरिंग करेंगे, और अभिलेखन, अभिलेखन का मतलब कोडिंग। इसका अंग्रेजी मीनिंग है कि देयर इज मोर फैसिलिटी इन स्कोरिंग एंड कोडिंग ऑफ डेटा रिसीव्ड फ्रॉम दिस क्वेश्चनर। प्राप्त आंकड़ों का अंकन और अभिलेखन में सुविधा होती है। जब हम कोई आंकड़ा प्राप्त करेंगे, कोई डेटा प्राप्त करेंगे, तो यदि हम डेटा से रिलेटेड यदि कोई स्केल बनाए हैं, कोई रेटिंग स्केल बनाया है जिसमें हम अंकन पद्धति का इस्तेमाल किए हैं, तो उस आधार पर में हम उस डेटा को अंकन प्रदान कर सकते हैं, अंक दे सकते हैं, उस आधार पर में हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभिलेखन यानी कोडिंग करने में, इसको रिकॉर्ड करने में या अभिलेख के रूप में रखने में काफ़ी सरलता होती है। कभी भी यदि हम किसी डेटा को निकालेंगे या किसी प्रकार के क्वेश्चनर को निकालेंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हमने किस प्रकार का स्कोरिंग किया है या हमने किस प्रकार का कोडिंग किया हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्नावली में यानी बंद प्रश्नावली में यह गुण पाया जाता है कि प्राप्त आंकड़ों का अंकन और उसके अभिलेखन में हमें सुविधा होती है, यानी निर्देशनकर्ता को सुविधा होती है। अब हम कुछ दोषों की बात करेंगे, डिमेरिट्स की बात करेंगे। तो इस प्रश्नावली में लचीलापन का अभाव पाया जाता है, लचीला फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब दिस क्वेश्चनर, मतलब लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज फाउंड इन दिस क्वेश्चनर। इस प्रश्नावली में क्या है, लचीलापन का अभाव पाया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसमें, यानी कि जो विकल्प है उसी विकल्प में से सबको उत्तर देना है, रिस्पोंडेंट को अलग से आप कोई फ्रीडम नहीं मिला हुआ है कि अलग से आप कुछ उसमें लिख सकते हैं, अलग से आप कोई उत्तर दे सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ ये है कि उसमें इस प्रकार का लचीलापन नहीं है। दूसरा है सूचनादाता के संबंध में वास्तविक सूचना नहीं प्राप्त हो पाती। अक्सर निर्देशनकर्ता क्या करते हैं कि समस्या से संबंधित सारे क्वेश्चंस बना तो लिए, उसके विकल्प भी तैयार कर लिए, लेकिन कोई विकल्प या कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो उस रिस्पोंडेंट से रिलेटेड ना हो या उसकी समस्या से रिलेटेड ना हो, तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्नावली के माध्यम से जो सूचनादाता है, सूचनादाता मतलब रिस्पोंडेंट जो है, उसको उसकी जो अपनी वास्तविक सूचना है, हो सकता है कि वह देने में अक्षम हो जाए या नहीं दे पाए, क्योंकि उससे संबंधित या उसकी समस्या से संबंधित क्वेश्चन ना होने पर कैसे ये पता चलेगा कि यह इसकी समस्या है, यह इसके अंदर की समस्या है, यही इसकी वास्तविक समस्या है। तो इन सब चीज़ों का इसमें अभाव पाया जाता है। दूसरी बात, एक गुण इसमें और है, मैं ऐड कर दूं थोड़ा सा, इसमें इस प्रश्नावली में समय तथा श्रम की बचत होती है। मतलब दिस क्वेश्चनर स्क्वायर सेवर टाइम एंड लेबर, दिस क्वेश्चनर सेव्स टाइम एंड लेबर। इस प्रश्नावली को बनाने में या इस प्रश्नावली का उत्तर देने में थोड़ा सा श्रम की कम मेहनत होती है, मतलब श्रम कम लगता है और साथ ही साथ समय भी कम लगता है, समय और श्रम की बचत होती है। क्वेश्चन आया, जितने विकल्प है क्वेश्चन को पढ़ लिए और जल्दी जल्दी उसमें विकल्प में से अपना आंसर टिक करते हुए आगे बढ़ गए, तो समय की भी बचत हुई और श्रम की भी बचत हुई। तो एक मेरिट इसका ये भी है, लेकिन दो डिमेरिट ये याद रखिएगा, लचीलापन का अभाव यानी लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और सूचनादाता के संबंध में वास्तविक सूचना नहीं प्राप्त होना,
यानी एक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिस्पोंडेंट इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम दिस क्वेश्चन आयर, मतलब वास्तविक सूचना हमें इस प्रश्नावली के माध्यम से हमें नहीं मिल पाती है, इसका थोड़ा सा अभाव पाया जाता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा? क्वेश्चन आयर के 5 प्रकार होते हैं, बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली और डार्क प्रश्नावली। और हमने देखा कि बंद प्रश्नावली क्या होता है, उसके मीनिंग्स को हम लोगों ने जाना, उसके गुण को देखा और उसके दोष को जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा, खूब पढ़िए। अभी हम लोग जिस प्रकार से वीडियो रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर रहे हैं, काइंडली उसको पढ़िए, देखिए। और यदि कोई क्वेश्चन पूछना हो, यदि कोई डाउट हो, तो काइंडली हमारे पर्सनल जो हमारा जो नंबर है, उस नंबर पर हमसे आप से चैटिंग करके उससे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।